हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन इंटरनेशनल एकेडमी ड्राइंग क्लास। मैं हूं आपका आर्ट इंस्ट्रक्टर सागर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ड्राइंग क्लास। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके सामने एक बहुत ही कलरफुल डायरी है, तो आज हमें इसी डायरी को बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दो ड्राइंग शीट्स लेने हैं जिनकी साइज होगी 5 inches by 9.5 inches, जिसमें से एक रहेगा आपकी डायरी का फ्रंट कवर और एक रहेगा आपके डायरी का बैक कवर। डायरी के अंदर के पेजेस के लिए आपको जेरोक्स पेपर्स का यूज करना है। इसके लिए आप आपके नोटबुक के पेजेस भी यूज कर सकते हो। ऐसे आपको 10 पेजेस कट कर लेने हैं सेम साइज में। तो चलिए शुरू करते हैं डायरी का सबसे क्रिएटिव पार्ट, उसका कवर बनाना। सबसे पहले हमें ऊपर से गैप छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने मिडल में मेरा नाम लिखा है, यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। तो इस नाम के लिए हमें यहाँ पे स्पेस छोड़नी है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर एक लाइन और ये नाम के लिए स्पेस मैंने यहाँ पे बना दी है। अभी ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, बीच में हो गए नाम। अब हमें डिज़ाइन वाला पार्ट ड्रॉ कर लेना है। ऐसे गैप छोड़ के आपको ट्रायंगल्स बनाने हैं। ट्रायंगल्स के बीच में जो गैप रहेगा वो सेम चाहिए। ट्रायंगल्स के बीच में और छोटे ट्रायंगल्स आपको बना लेने हैं। अबे हमें दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है। जिसमें हम ट्रायंगल्स ही बनाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने ट्रायंगल सेंटर से स्टार्ट किया है। इसके बाद हमें इसके बीच में ऐसी लाइंस बनानी है। नीचे भी हम एक और लाइन ऐड कर देंगे। इस लाइन के अंदर हमें ग्रेटर देन का साइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये कुछ ऐसे लगेगा। अब हमें नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके अंदर हमें ऐसी दो दो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है।
ध्यान रहना है कि जो डिस्टेंस हो वो सेम हो लाइंस के बीच में। अब हमें यहाँ पे ऐसी स्लैंटिंग लाइन से इनको कनेक्ट कर देना है। जो आपने बेसिक सीखे हुए हैं उसी का यूज़ करके हमें ये डिज़ाइन बनाना है। हम एक और लाइन ऐड कर देंगे। इस लाइन में हमें फिर से ट्रायंगल बनाने हैं। गैप छोड़ के भी बना सकते हो, मैंने डायरेक्टली बनाया है। इसके बाद एक और लाइन बनाएंगे। यहाँ पे आपको ऐसे पॉइंट्स रखने हैं, छोटे सर्कल्स। सभी सर्कल सेम हो, छोटे बड़े ना हो। फिर से एक लाइन। फिर से ये ऊपर वाले ट्रायंगल्स, इनमें अभी आपको गैप छोड़ना है। कनेक्टेड नहीं है। बीच में छोटे वाले ट्रायंगल्स। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यही जो डिज़ाइन है वो फ्लिप करके नीचे बनाया है। सी, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, यही मैंने फ्लिप करके नीचे के साइड में बनाया है। वैसे ही आपको सेम यहाँ पे मिरर इमेज इसकी बनानी है। अब हम देखेंगे कि नाम कैसे बनाना है आपका। ऐसे अच्छे से बड़े अक्षरों में आपका नाम लिखना है। अगर किसी का नाम बहुत बड़ा है तो उसे आप शॉर्ट में करके लिख सकते हो। ऐसे आपको नाम लिखना है। यही ड्राइंग आपको रिपीट करना है फ्लिप करके। अब देखते हैं कि इसे कलर कैसे करना है। कलरिंग के लिए आप स्केच पेंस यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने स्केच पेंस यूज़ की है और उससे बहुत ही ब्राइट अच्छा लुक मिलता है। या तो फिर आप कलर पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कलर पेंसिल्स यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रहना है आपको कि आपको कलर इतना लाइट नहीं देना है। आप देख सकते हो कि ये ब्राइट है इसलिए अच्छा लग रहा है, आपको बहुत लाइट कलर नहीं देना है। कलर पेंसिल से भी आप कर रहे हो तो आपको अच्छे से डार्क कलर करना है। कलर बाहर नहीं जाने चाहिए, पेंसिल अच्छे से शार्पन कर लेनी है आपको। एक मैं आपको स्केच पेन से भी करके दिखाता हूँ। जहाँ पे एक बार आपने स्केच पेन चलाया है वहाँ पे बार बार नहीं चलाना है। जहाँ पे आपने एक बार स्केच पेन चलाया है वहाँ पे फिर से मत चलाओ। इससे आपका स्केच पेन जल्दी ख़त्म हो जाएगा और पेज भी फट सकता है। स्केच पेन से कलरिंग करते वक्त आपको ध्यान देना है कि जो लाइट कलर्स है, जैसे कि येलो हो गया, लाइट पिंक हो गया, लाइट कलर्स आपको पहले यूज़ करने हैं। जैसे कि येलो है, पिंक है, ऑरेंज है, लाइट ग्रीन है, ये कलर आपको पहले यूज़ करने हैं। और उसके बाद आपको डार्क कलर यूज़ करने हैं, जैसे कि रेड है, वॉयलेट कलर है,
ये आपको ग्रीन है, ये आपको डार्क बाद में यूज़ करने हैं, जिसके आपके स्केच पेन की टिप होगी वो ख़राब नहीं होगी। दूसरे कलर में आपका कलर नहीं जाना चाहिए। तो इन सारी प्रिकॉशंस के साथ आपको कलरिंग कंप्लीट करनी है। कलरिंग हो जाने के बाद जहाँ जहाँ पे भी आपने पेंसिल से ड्राइंग किया है वहाँ पे आपको पेन से बॉर्डर कर लेनी है, जिससे आपके वर्क में फिनिशिंग आ जाएगी। ये पूरा होने के बाद कुछ ऐसे लगेगा। मैं इसकी फ़ोटो आपको वीडियो के साथ सेंड कर दूंगा, जिसे देख के आप आसानी से कलर कर सकते हो। अब आपके पास एक पूरा हुआ फ्रंट पेज होगा और एक बैक पेज होगा। इसके अंदर हमें जेरोक्स पेपर का बंच डाल देना है, उसके ऊपर कवर हमारा रख देना है और इसको पंच करना है। तो इस तरह से ये पंच हो जाएगा। अब आपको ऐसे दो उलन थ्रेड्स लेने हैं, जिसकी मदद से हमें यहाँ पे टाई अप कर देना है। ये कुछ ऐसे लगेगा। इस तरह आपकी डायरी बनके रेडी हो जाएगी, जिसमें आप आपके नोट्स लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।